दोस्तों, आज VCI कंपनी के बारे में हम पूरे अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं। और ये जो गाड़ी खड़ी यहाँ पर देख सकते हैं, VCI के पैसे से ये गाड़ी ली गई है। तो कितने की ली गई है और कितना दिन में इनकम हुआ है और कैसा लिया गया है, पूरी जानकारी आपको हम अच्छे तरीके से देने वाले हैं। क्योंकि VCI एक दिन में लाखों का, 6 लाख रुपया, 7 लाख रुपया इस तरह से जो है कि इस कंपनी दे रही है। काफ़ी लोग इन्वेस्ट किए थे इस कंपनी में, काफ़ी लोगों का फायदा भी हुआ है। तो आइए पूरी जानकारी हम जानेंगे अपने आदिल भाई से, जो VCI में इन्वेस्ट करके ये गाड़ी खरीदी है इन्होंने। तो किस तरह से ये इन्होंने इन्वेस्ट किया है इस कंपनी में और किस तरह से इन्होंने फ़ायदा उठाया है इस कंपनी से, कितना पैसा कमाया है, और पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको अच्छे तरीके से देने वाले हैं। अगर वीडियो के अंत तक देखिएगा तो पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आदिल भाई, किस तरह से VCI कंपनी से आपने कैसे, मतलब इसका आपको लिंक मिला, इस कंपनी के बारे में कैसे जानकारी आपको मिली, किस तरह से ये गाड़ी आपने खरीदी? भाई देखिए, यहाँ पे कुछ लोग थे गांव के ही जी, जो उसमें इन्वेस्ट किए थे और उन्होंने जब मुझको उसका फायदा बताया तो हमने भी तकरीबन 4 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने के बाद जो मुनाफा आया तो हमने ये गाड़ी जो आप खरीदी, ये गाड़ी हमने खरीदा। और इस चक्कर में बहुत सारे लोग और भी, जो दोस्त यार मित्र अगल बगल के लोग, नाम काफी हो गया था, काफी लोगों ने इन्वेस्ट किया, वो इन्वेस्ट किया इसी चक्कर में। और अब जो सुनने में आ रहा है कि कंपनी जो है पूरी तरह डूब गई, और मुझे ऐसा लगता कि जो भी इस तरह की कंपनियां होती है, शुरू में तो फायदा देती हैं लेकिन बाद में पूरा लॉस हो गया, कुछ भी नहीं बचा। काफ़ी लोग परेशान हैं, जो भी मिल रहा है तो वही कह रहा है कि कंपनी भाग गई। और आज के टाइम में शायद मेरे जानने में कम से कम 150 लोग ऐसे होंगे कि जिनका पैसा सुनने में आ रहा कि डूब गया सिर्फ हमारे गांव में, बाकी मेरे गांव में। और अगर अदर जो है लोग, जो दूसरे गांव के लोग हैं, उनका कितना डूबा होगा तो ये तो नहीं पता, लेकिन मेरे गांव में कम से कम 150 लोग ऐसे हैं कि जिनका पैसा इसमें डूब गया। बड़े भरोसे पर कोई 1 लाख लगाया था, कोई 10, कोई 20, कोई 50। यहाँ पर जेवर बेच कर भी और उधार लेकर भी पैसा, ये भी सुनने में आया कि महिलाओं ने अपना जेवर बेच के भी पैसा लगाया था, और वो भी पैसा अब वो कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे वो। तो इसलिए मैं तो सबसे यही कहूँगा कि इन सब फ्रॉड कंपनियों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि किसी के पास बहुत रहता है तो उनका कुछ डूबता है तो उनको नहीं फर्क पड़ता, लेकिन जेवर बेच के और जमीन बेच के ऐसा पैसा नहीं लगाया जाता, कर्जा लेके। और हमारे गांव में हम बता दें कि 1-1.5 लाख रुपया लोगों ने लगाया, जिस दिन लगाया उसी दिन ये कंपनी बैठ गई। अब उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? अब कंपनी बैठ गई है, अब तो जो यहाँ, मगर फिर भी अभी बैठ गई है, सबको पता है कि कंपनी भाग गई है, फिर भी जो है कि वहाँ पर ऑफर दिया जा रहा है 3900 का, 8800 का, मतलब इस तरह से लालच दिया जा रहा है। और उसमें लेवल का हिसाब रख दिया गया है कि अब इतना रिचार्ज करेंगे, जैसे 3900 का रिचार्ज करते हैं तो एक लेवल पाएंगे तो दिन में 2000 भेजेंगे इसी तरह से, और 8800 का जो लेवल रखा गया है रिचार्ज का, वहाँ पे 6000 मतलब एक दिन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मगर काफ़ी लोगों ने किया हुआ है मगर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है बैलेंस, फिर भी लगाए जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, मतलब लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? यही कह रहा हूँ कि आपका जो गया है आप उस पर सब गए, और आप जाइए जो इंटेलिजेंस विभाग है वहाँ जाके कंप्लेन करिए, और एक भी रुपया आप मत लगाइए, नहीं तो एक तो जो गया है और फिर जो दोबारा जाएगा वो भी चला जाएगा। ये सारी इससे सतर्क रहिए, फ्रॉड कंपनियां हैं और ये चलता नहीं है भैया। जो गया उस पर सबर करिए, इसकी कंप्लेन जाके करना है, पुलिस थाना है यहाँ पे, इनका अपना विभाग है इंटेलिजेंस विभाग, उसमें जाके कंप्लेन करिए और एक भी रुपया मत लगाइए। अब लगाएंगे फंसेंगे और सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी, न कोई पुलिस, आप कंप्लेन तो करेंगे, इंक्वायरी वो करेंगे लेकिन इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी, नहीं लेगी। अगर लेगी भी तो वो पूछेगी कि आपने हमसे पूछा था कि नहीं, पूछा तो क्यों लगा था भाई, आप दिए थे हमसे तो पूछा नहीं था, अब डूब गया तो आप हमको कंप्लेन करेंगे तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस की भी नहीं होती, ये स्वयं की जिम्मेदारी है। इससे आप सतर्क रहिए इस तरह के फ्रॉड से, ये हमेशा होता आया है कि पहले तो कुछ लुभावने वादे करेंगे, कुछ पैसे देंगे और एक ही बार लूट के चले जाते हैं, ऐसे नहीं, सदा की प्रथा है। और इसमें बच्चे जो ये जो मोबाइल पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं उनके लिए ज्यादा जरूरी है कि इस तरह के फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े। तो यहाँ पर फैसल भाई हमारे मौजूद हैं, ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं।
तो ये तो गाड़ी लिया तो आपको फायदा हो गया, आपका लॉस हुआ कि नहीं हुआ इसमें? बहुत लॉस हुआ है, शुरू शुरू में तो ऐसा लगा कि बहुत अच्छी चीज है। हाँ। और काफी क्या कहते हैं कि ये गाड़ी लेने के बाद काफी खुशी मिली होगी, जब बहुत। पैसा आ रहा था तो और भी दिल कर रहा था कि इन्वेस्ट करे, इससे ज्यादा और कमाए। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके बाद में जब ज्यादा पैसा लगा दिए और बैंक में वापस जब वो रिटर्न नहीं आया, जो भी उनका एक क्राइटेरिया बना हुआ था, और उस हिसाब से जब पैसा नहीं आया तो फिर ये लगा कि क्या कहते हैं कि ये तो मतलब सब बोकस कंपनियां हैं और क्या कहते हैं ऐसी फ्रॉड कर रही हैं पब्लिक के साथ में। और आज की डेट में तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि इससे बचे, और क्या कहते हैं अगर कहीं इन्वेस्ट भी करना है तो कोई गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोई कंपनी है उसमें क्या कहते हैं पैसा यूज करें, जो क्या कहते हैं इनकम टैक्स आईटी रिटर्न है उनके ऊपर क्या कहते हैं कि पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी तो ज्यादातर मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से कि ये सब ज्यादा फ्रॉड है और ये बस जो है पैसा कलेक्ट करके और बंद कर देते हैं, मुझे तो यही लगता ये 100% यही है। तो चलिए, काफी लोगों का इन्वेस्ट हुआ है मगर अब ध्यान रहे नहीं करना चाहिए इस तरह के, जितने भी सारे ऐप हैं, बहुत सारे मार्केट में ऐप हैं मगर काफी लोग इनमें अभी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, काफी लिंक मिल रही है और जाकर बिना सोचे समझे पूरा डिटेल्स अपने बैंक का अपना आरडे सब कुछ फिल कर दे रहे हैं। और ये भी सुनने में आ रहा है कि क्या बोलते हैं कंपनी बंद हो चुकी है फिर भी बैंक से जो है कि पैसा कट जा रहा है ऑटोमेटिक। असल बात में क्या है कि क्या कहते हैं जो लोगों ने पहले पैसा इन्वेस्ट किया था इन चीजों में तो उनको क्या थोड़ा सा प्रॉफिट मिला पहले। हाँ। और उसकी वजह से जो भी उनके जान पहचान वाले जो भी इर्द गिर्द के लोग हैं उन्होंने इन्वेस्ट किया इसके अंदर, लेकिन उनको इस चीज की जानकारी नहीं है। नहीं है। सबसे पहले मैं तो ये कहूंगा कि अगर तुमको इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपको इसके बारे में समझना पड़ेगा सही। उसको समझो और समझ में आए तो इन्वेस्ट करो, नहीं समझ में आए तो क्या कहते हैं फिर मत करो, क्योंकि जिस तरीके से हमने लॉस खाया है ये गाड़ी लेके और क्या कहते हैं कि आज की डेट में 4-5 लाख रुपया यूं ही खराब हो गया, तो मेरे हिसाब से तो क्या कहते हैं कि लोगों को नहीं लगाना चाहिए। अगर लगाए तो सबसे पहले उसका इन्फॉर्मेशन ले, सही तरीके से जानकारी ले और उसके बाद में इन्वेस्ट करें। तो चलिए, आप लोग को इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीख मिली होगी, ध्यान रखिएगा इस तरह की कभी भी गलती मत कीजिए, कोई भी लिंक आए कोई भी आए अगर लालच दे तो इस पर नहीं जाइएगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों को इस वीडियो से जानकारी मिले। तो मिलेंगे फिर किसी दूसरी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ में।